वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 से। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है और कहा यह गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये क्या है, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखे हुए है, आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, हमने उसमें क्या किया, एक्सपेंडेड जो फॉर्म में थे उन्हें इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। अब ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, उलट काम करना है। जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसका उलट करना है। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो पावर है, इसका मतलब वो नंबर उतनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है, वो नंबर उतनी दफा मल्टीप्लाई। तो 2 पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कितनी दफा, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, एंड ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने बीच के सारे पार्ट्स छोड़ के पार्ट 6 उठाया है, ताकि थोड़ा सा ये चेंज है आपको समझ आ जाए, और बाकी पार्ट्स भी इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगी, लेकिन समझाने के लिए ये मैंने उठाया। अब देखो, इसमें पहला जो नंबर है वो क्या है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, देन मल्टीप्लाइड, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो सॉरी, 1 2 3 कितनी दफा है, 2 टाइम्स, और 2 कितनी दफा है, 4 टाइम्स, और ये हमारा आंसर होगा, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो इसको लाइक करें। अब इसको लाइक करना आप पे फर्ज हो चुका है, और काइंडली जब वीडियो खत्म होगा तो इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आपसे ये कह दूं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे स्टार्टिंग में भी शो हो रहा था, और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप के एक छोटा सा फीस है, 100 पर मंथ। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज या जो क्वेश्चन वगैरह है वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में ही डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम और क्लास मेंशन करके आप बता दें कि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको करा दिया। ये पार्ट 2 है एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए इसका पावर क्या है, 3, तो 3 टाइम्स। अब 11 है, इसका पावर जो है 2 है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स। देन आता है 13, इसका पावर क्या है, 6, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। देन पार्ट 5 है, इसका पावर क्या है, 8 पावर 4, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। देन ये पार्ट 6 है जो मैंने आपको कराया था, 2 पावर 4 है, तो 4 टाइम्स, एंड 3 फॉर 2 टाइम्स। देन ये पार्ट 7 है, 27 पावर 3, तो ये आपके पास 24 3 टाइम्स, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर क्या है, 4, तो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 4 टाइम्स। इसके बाद आता है पार्ट हमारे पास 8। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले 5 कितनी दफा है, इसका पावर देख ले, 2, तो जो 5 है दैट इज फॉर 2 टाइम्स। ओके, एंड देन 7 का पावर देख ले, वो क्या है, 4, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 4 टाइम्स। देन 3 का पावर 6 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 6 टाइम्स। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सो इसमें क्या है, सबसे पहले 19, इसका पावर 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स। देन 17, इसको 6 टाइम आपने लिखना है, एंड देन 23, इसका कोई पावर नहीं, इसका मतलब फॉर 1 टाइम। इसी तरह से फिर आता है 6 पावर 4, तो इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, 6 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, 14 पावर 2, तो 14 फॉर 2 टाइम्स, एंड 19 का कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब पावर 1 है, 1 टाइम्स। देन लास्ट हमारे पास है 7 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स,
नाइन क्यूब, अच्छा जब टू होता है तो इसको स्क्वायर पढ़ते हैं और इसको क्यूब पढ़ते हैं जब थ्री हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थ्री टाइम्स 17 वन टाइम एंड 29 वन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आप समझ गए होंगे कि आपने किस तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अब वीडियो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल और एक्साइटिंग था, तो आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, एक जैसा कमेंट भी ज़रूर लिखना है। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब। सी यू सून इन अनदर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।